तुम्हारे और इसरा के बीच में पैदा करने वाली गलतफहमियों के अंजाम तक मैं पहुंच गया। दरवाजा खोलो, मुझे शाजिद से फौरन मिलना है। वो घर पे नहीं है। कहाँ गया वह? शादी हॉल। कौन से शादी हॉल? मालूम नहीं है। तो उसे मालूम करो, पूछो कहाँ है वो लोग। मालूम करके बताता हूँ आपको। मैं जानती हूँ इसरा के, जब इंसान को बार बार अपने बारे में सफाई देनी पड़ जाए ना, तो फिर उसे अपना आप बहुत छोटा लगने लगता है। और खास तौर पर औरत के लिए जब उसे अपने बारे में सफाई देनी पड़ जाए तो वो किसी पुलसराज से कम नहीं होता। अगर वो पुलसराज से चलने पर मना करते हैं तो क्या गलत किया? बिल्कुल गलत नहीं किया। लेकिन इसरा, जब कोई आपके खिलाफ साजिश करता है ना, तो फिर ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी सफाई देकर अगले को कटहरे में खड़ा करते, उसका गिरेबान पकड़कर उसके तोहमत का हिसाब लें। देखो मेरी जान, तोहमत लगाने वाले पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने जिस पर तोहमत लगाई होती है ना, उसकी उसकी जिंदगी की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाती है। और फिर जब आपके पास वक्त हो अपनी सफाई का, तो फिर क्यों ना दें हम, जिससे आप मुस्तकबिल के बहरान से बच सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था, कि मैं अपने किरदार की सफाई शाजिद को दूंगी। इसरा, मर्द की जो मोहब्बत होती है ना, वो जितनी मुंहजोर होती है उतनी शिद्दत पसंद भी होती है। मर्द कभी भी नहीं चाहता है कि उसकी इज्जत को कोई देखे या उसकी मोहब्बत के सामने कोई और मर्द अपनी मोहब्बत का दम भरे। जो भी था, मेरी तो बात मत। मेरी बात पे तू यकीन करता? दिल में तो सिर्फ ये बात रह गई कि उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, उसने मेरा यकीन ही नहीं किया। ये मनफी बातें वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। तुम्हारे भी जहन से खत्म हो जाएंगी। बस दुआ करो कि हम बात वक्त पर पहुंच जाए। भाई कहाँ गए? वो शाजिब के पास गया है। क्यों गए? मैंने मना भी किया था, क्या जरूरत थी उन्हें जाने?
जी शादी साहब, आपका निमरा बल्ब निसार अली निकाह कबूल। बोलो इसरा। भाई, जब मैंने आपको कहा था कि आप वहां जाके मेरे मुतालिक कोई भी गवाही नहीं देंगे भाई, तो आप क्यों गए वहां? जानती आप वापस आए, अभी और इसी वक्त वापस आए। जहां अपने किरदार की गवाही देके खुद को पाक साफ साबित करना हो, वहां किरदार तो बच जाता है लेकिन इंसान मर जाता है। कॉल करो, कॉल करो, कंफर्म करो।
निकाह हो गया? नहीं हुआ निकाह। अगर ये निकाह हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ ना कर सकता। मुझे ये चंद लम्हात ताकि मैं तुम लोगों को सच्चाई बता सकूं। ये जो गंदा खेल तुमने खेल कर मेरी बहन के दामन पे दाग लगाया, मेरा तो जी कर रहा है कि तुम्हारी इस हालत पे भी तरस ना खाऊं। तुम्हारा इंतकाम मेरी जान लेने से पूरा होता है तो ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूं। उसके किरदार की हर फिल्म गवाही थी रखो बेहतर। तुमने जो जो कुछ देखा वो सब रिफ्लेक्ट है। वो ही दिखाया तुम्हें। मैं नहीं मान सकता था, इसलिए मैंने जो कुछ किया इसलिए किया था कि तुम दोनों ने ऐसा डेस्टिनी क्रिएट किया। आपको हकीकत जानकर हारिस पर कितना गुस्सा आ रहा है ना? अगर मैं आपको वो नाम बताऊं जो इस साजिश में बराबर के हिस्सेदार थे तो आपका क्या हाल होगा? तुमसे बड़ा और कौन दुश्मन होगा मेरा? अपने दुश्मन देखने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। आपके तमाम दुश्मन तो आप ही के घर में, बस आपकी नजरें उन्हें देखने से कासिर हूं। कौन है मेरा दुश्मन? आपकी मां नफीसा बेगम। आपकी भाभी समीरा। और निमरा खुद इस सारे प्लान का हिस्सा थी। इन्हीं तीनों ने हारिस को मोहरा बनाया ताकि आप और इसरा हमेशा के लिए अलग हो जाए। मेरी शादी में इसरा को लाना, हारिस के साथ उसे कमरे में दिखाना आपको। ये सब उन्हीं खवातीन का प्लान था। हारिस तो सिर्फ वो करता था जो वो डिक्टेट करती थी। हारिस तो अपनी सजा भुगत ही रहा है। अगर आपको कोई सवाल करना है तो जाके उन खवातीन से सवाल कीजिए।
किसी बेगुनाह के ऊपर बहतान लगाने की सजा तुम जिंदगी भर भुगतोगे। जाएंगे मुझसे मिलने के लिए, मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ऐसा मत कहो शाहजेब। जुल्म किया है आपने मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता शाहजेब। मर गया मैं आपके लिए। मैं माँ हूँ तो आपने जुल्म किया है मेरे साथ शाहजेब। तुम वक्त पर तो पहुंच गए थे ना। जब जो होना होता है वो तो होकर रहता है। हम इंसानों की क्या मचाल के होने को टाल सकें। लेकिन जब मैंने आपको मना किया था वहां जाने से तो आप क्यों गए? अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। इसका तोहमत लगाने वालों से अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेता है। मैंने तुम्हारी सफाई की कोई गवाही नहीं दी वहां पर, बल्कि मुजरिम खुद ही एतराफ़ जुर्म करके तुम्हारी पाकीज़गी की गवाही दी है। कौन? हारिस? हाँ हारिस। दीदा इबरत बनाओ। मैं और शाहजेब अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। उसने शाहजेब को सारी सच्चाई खुद ही बता दी। वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। और निकाह? नहीं, लेकिन इस साजिश में शामिल अपने घरवालों के नाम जान के शाहजेब जॉब करेगा, बस उसका इंतजार है। किसी के दिखाए हुए मंजर को सच समझ लेना, सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेना बहुत आसान होता है भाई। बहरहाल मुझे इन सब में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। We'll be right back.
शाज़ेब, कहाँ थे तुम? शाज़ेब, मैं तुमसे पूछ रही हूं, कहाँ रह गए थे तुम? ये क्या तमाशा है जो तुम बार बार लगाते हो? तमाशा तो आपने मेरी जिंदगी को बना दिया। इस निकाह के लिए अपनी मर्जी से राजी हुए थे तुम? तुम खुद उठकर चले गए। कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। बेइज्जती? आप उस बेइज्जती को महसूस ही नहीं कर सकती जो मैं महसूस कर रहा हूं। मैंने क्या किया? इसरा और मेरी जिंदगी में जहर घुलने के बाद आप ही मुझसे पूछ रही है कि आपने क्या किया? हम दोनों की जिंदगी में नफरत की दीवार खड़ी करने के बाद आप मुझसे पूछ रही है कि मैंने क्या किया? शाज़ेब, मैं भला क्यों घोलने लगी तुम्हारी और इसरा की जिंदगी में जहर? इसरा तो थी ही बदकिरदार। तुम अपनी मां को झुठला रहे हो? झुठला नहीं रहा मैं आपको, मैं तो सच बता रहा हूं, क्योंकि अपनी आंखों से हॉस्पिटल में आपके मोहरे का इबरतनाक अंजाम देखकर आ रहा हूं मैं। उसने मुझे बताया किस तरह आपने उसे इस्तेमाल किया मेरे अगेंस्ट। मैंने क्या बिगाड़ा आपको? नहीं नहीं शाज़ेब, मैं क्यों किसी को मोहरा बनाऊंगी? मैं तो माँ हूं तुम्हारी। मैं बेटा तुम्हारा भला चाहूंगी। झूठ बोल रही है। फिर से झूठ बोल रही है आप। आपको अगर मेरी इतनी परवाह थी तो मेरी जिंदगी का सुख चैन ना छीनती। आप मेरी मां है। नहीं, तुम्हें तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है बेटा। बेटा नहीं हूं मैं आपका। मेरा कोई रिश्ता नहीं है आपसे। नहीं शाज़ेब, ऐसा नहीं कह सकते तुम। कोई नहीं सकता। मजबूरी है कि औलाद का रिश्ता इस दुनिया में बनता नहीं है अपनी मर्जी से। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला बनाता है। अफसोस इस बात का है कि मुझे इस रिश्ते में आपके साथ कैद किया गया।
लेकिन आज मैं आपसे एक वादा करूंगा, आज के बाद मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा कभी। नहीं आप तरस जाएंगे मुझसे मिलने के लिए, मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ऐसा मत कहो शाहजेब। जुल्म किया है आपने मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता शाहजेब। मर गया मैं आपके लिए आज। मैं माँ हूँ तो। आपने जुल्म किया है मेरे साथ शाहजेब। आपके साथ कैद किया गया। मर गया मैं आपके प्यार से। आपने जुल्म किया मेरे साथ। काबिल नहीं हो कि मैं तुमसे कभी बात करूंगा। दीदी मैं नहीं हूं। ये तो तुम गए हो वो भी इस निंद्रा के कदमों में। एक्चुअली तुम उसे रिजर्व करते थे और तुमने मेरी राह खोटी कर दी। तुम्हें बहुत मुबारक हो शाहजेब। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे।
और तुम्हारे पछतावे के लिए मेरे पास माफी नहीं होगी। जी वकील साहब, शाहिब बात कर रहा हूँ। जाओ इस तरह, मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूं, तुम सारी जिंदगी मेरी शक्ल देखने तरसो। मेरे घर की बहू सिर्फ और सिर्फ निमरा बनेगी, बस। तुमने अपनी आशिकी के चक्कर में मुझे दोराहे पे ला के रखी है। मैं खुद जाके उसको कितने की निकालूंगी। क्या कीमत लोगे इसको आजाद करने? मेरी सोच मेरे अंदाजों से भी कहीं ज्यादा घिरी गुजरी हो तुम। मैंने कुछ नहीं किया है, तो मुझे नहीं। मैं निम्रा से शादी कर रहा हूँ। इस आशिकी को सर से तार के फेंक दो शादी। मैं जा रहा हूँ इसे। तुम्हारी जिंदगी से बहुत हूँ। जिंदगी क्या थी गजीने की तरह जी ना सके, हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं चलते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान